अपहरण के बाद महिला की हत्या। गाजियाबाद के थाना विजयनगर पुलिस ने अपहरण के बाद महिला पूजा की हत्या का खुलासा कर दिया है। वहीं पुलिस अभी महिला के शव को बरामद करने में जुटी हुई है। पुलिस ने इस संबंध में महिला के दूसरे पति और पूर्व प्रेमी आलम को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी नगर राजेश कुमार ने बताया कि पूजा सम्राट चौक पर किराए के मकान में रहती थी और उसके पहले पति से उसका तलाक हो चुका था। उसके बाद उसने पूर्व प्रेमी आलम से निकाह कर लिया था। आलम भी पहले से शादीशुदा था और पूजा आलम पर पहली पत्नी को छोड़ने का दबाव बना रही थी। इससे परेशान होकर आलम पूजा को सेंट्रो गाड़ी में बिठाकर गंग नहर पटरी पर ले गया और उसकी चुन्नी से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पूजा की हत्या करने के बाद आलम ने उसका शव गंग नहर में फेंक दिया। उन्होंने बताया कि आलम कार मैकेनिक का काम नोएडा में करता है और ठीक होने आई गाड़ी सेंट्रो से ही उसने पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे दिया। गाजियाबाद से पंडित जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। एक मामला का आज खुलासा थाना विजयनगर पुलिस ने किया है। एक महिला थी जो पहले उसकी गुमशुदगी लिखी गई है गई थी, फिर उसमें शंका व्यक्त की गई कि इसको मार दिया गया है। तत्काल अभियोग दर्ज किया गया और उसमें जो संदेही अभियुक्त था जब उसको कब्जे में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो पूरा उसने उसकी हत्या करने का की कहानी बताया है। और उसकी निशानदेही पे जो डेड बॉडी है उसकी अभी तलाश की जा रही है, डेड बॉडी अभी रिकवर नहीं हुई है। जो अभियुक्त है उसका कहना है कि उसके उससे 5 साल पहले से प्रेम संबंध थे, फिर उसे उसे शादी कर लिया था और वो ऑलरेडी शादीशुदा है और जो महिला थी वो भी शादीशुदा थी, बच्चे भी हैं उसके। वो बार बार दबाव बनाती थी कि तुम अपने पहली वाली पत्नी को छोड़ दो, मेरे साथ रहो। इसी से तंग आकर उसने उसकी हत्या किया था और हत्या करके डेड बॉडी को नहर में फेंका है। डेड बॉडी को रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है और पूरी कड़ी वैधानिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जा रही है। इस तरीके से हत्या की गई, इस तरीके से इस महिला के शव को नहर में बहा गया है, कहां लोकेशन है? हत्या का जो ये बता रहा है वो एक सेंट्रो गाड़ी से आया है और उसको टेलीफोन से जब इसकी बात हुई तो फिर वो महिला इसके पास आती है, गाड़ी में उसको बैठा लेता है। गाड़ी में भी इनका आपस में झगड़ा होता है, फिर नहर पटरी पर ले जाता है रात में सुनसान और वहां पे उसकी चुन्नी से उसका गला घोट देता है और कहता है उसकी चुन्नी अभी भी गले में ही उसके होगी और उसको फिर नहर पटरी से ही नहर में फेंक देता है। और इसके बाद आके थाने पे गुमशुदगी भी लिखाता है अपने को बचाने के लिए ताकि उस पर शक न हो कि उसकी पत्नी कहीं गायब हो गई। 4 साल से दोनों साथ रह रहे थे, प्रेम संबंध से शादी भी कर चुका था आरोपी, उसके बाद क्या कुछ ऐसी वजह रही कि उसकी वजह जो ये बता रहा है कि वो बार बार तंग करती थी कि अपने जो उसकी पहले से शादीशुदा बीबी और बच्चे हैं उनको छोड़ के वो इसके पास ही रहे, उनसे कोई मतलब न रखे, जबकि वो ऐसा नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसने उसको रास्ते से हटाया। सर, दोनों अलग अलग समुदाय के थे, ऐसे में निकाह की बात या शादी की बात सामने आ रही तो क्या कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई थी? इसमें इनका ये कहना है कि जब इससे संपर्क में आई तो बाद में इसने उससे शादी भी कर ली थी। इसमें जो धर्म परिवर्तन या जो सारी चीजें है उसके उस एंगल से भी हम देख रहे हैं, उसमें भी हम इसमें उन धाराओं को भी जोड़कर प्रभावी कार्रवाई करेंगे। सर, बॉडी नहीं मिली है, आरोपी की स्टेटमेंट में पुलिस मृतक मान के चल रही है। हाँ, आरोपी का जो कहना है कि उसने उसको मार के बॉडी को पानी में छिपा दिया, पानी में डाल दिया, तो उसको अभी हम सही मानते हुए बॉडी की तलाश कर रहे हैं और उसमें आगे बॉडी के मिलने के बाद अन्य और विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। सेंट्रो कार भी बरामद हो गई है। सेंट्रो कार ये जो इसमें अभियुक्त है वो कार मैकेनिक है, किसी कस्टमर की गाड़ी आई थी, उस सेंट्रो कार का उसमें सेल्फ खराब था और उसी गाड़ी को लेके यहाँ पे आया। आरोपी से कोई बच्चे नहीं थे।